सब्सक्राइब कीजिए वायरल टेक इंडिया चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम है, आप देख रहे हैं वायरल टेक इंडिया। दोस्तों, जियो की तरफ से 20 जुलाई शाम 5:01 से शुरू हो चुका है जियो का मनसून हंगामा ऑफर, यानी जियो फोन मनसून हंगामा ऑफर। तो आज के इस वीडियो में इसी मनसून हंगामा ऑफर के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि हमें सब बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल है कि एक्चुअल में कैसे आपका फ़ोन को एक्सचेंज करना है, आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक जियो यूज़र हो तो आप सबसे पहले जाएंगे आपका माई जियो एप्लीकेशन में। माई जियो एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा कि जियो फोन आप चाहते हो मनसून हंगामा ऑफर में। तो आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ आपका बेसिक डिटेल्स फिल करना पड़ता है। जैसे आप अपने सारे बेसिक डिटेल्स फिल कर लेते हो, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा आप किस डेट पे पिकअप करने आएंगे, कितना बजे आप पिकअप करने आएंगे, आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। आपके पास जियो की तरफ से एक SMS आ जाएगा, उस पर्टिकुलर डेट पे उस टाइम पे उस SMS को लेकर आप चला जाइए नियरेस्ट जियो स्टोर पे एंड चेंज कर लीजिए आपका किसी भी पुराना फीचर फोन को न्यू जियो फोन 1 के साथ में। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि जो न्यू जियो फोन 1 होगा, इसके साथ जो आप एक्सचेंज करने लेके जाएंगे फोन, ये फोन किस तरह का होना चाहिए। आपके पास दोस्तों किसी भी कंपनी का वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए फीचर फोन, आपका फोन चाहे आप यूज कर रहे थे नहीं कर रहे थे। आप जब जियो स्टोर जाएंगे, आपको फोन ऑन करना है, स्विच ऑन करके उनको दिखाना है कि हाँ फोन ऑन हो रहा है, आपका फोन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्या करना होगा, आपका मन में सवाल आ सकता है कि मेरा फोन जो है काफी पुराना है, उसमें स्क्रैचेस ज्यादा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फोन सिर्फ ऑन होना चाहिए, आपके पास आपका फोन का चार्जर होना चाहिए, बॉक्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि इन्वर्स का रिक्वायरमेंट है, बट आपका फोन का चार्जर साथ में होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, या हमें से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि मैंने अक्सर 5 साल पहले फोन लिया था तो फोन का जो ओरिजिनल चार्जर था वो तो खराब हो चुका है, अब इन दैट सिचुएशन क्या करना है। आप कोई लोकल चार्जर परचेस करके आप यूज करते हो तो ऐसे में क्या आपका फोन एक्सचेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल दोस्तों हो पाएगा, आपके पास किसी भी तरह का चार्जर हो बट आपका फोन में उस चार्जर से चार्जिंग होना चाहिए। अगर कंपनी का चार्जर है इट शुड बी बेटर, अगर कंपनी का चार्जर नहीं है तो भी आपका फोन एक्सचेंज करेगा जियो स्टोर पर। आपको देना है 501 रुपीज, इसके साथ साथ में आपको एक फास्ट रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जो फास्ट रिचार्ज होगा दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहो तो 594 रुपीज से रिचार्ज करवा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जो है 6 महीने तक के लिए फ्री में मिल जाएगा सर्विसेज। तो एक बार में 594 रिचार्ज कर लेंगे तो आपको 6 महीने में रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। या तो आप कर सकते हो 151 का रिचार्ज, या तो आप 49 रुपीज का मंथली रेंटल से भी फास्ट रिचार्ज कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन के साथ एक सिम आता है, उसी सिम को आपको एक्टिवेट करवाना होगा। आप चाहे आपका कोई एग्जिस्टिंग नंबर को पोर्ट इन करवा सकते हो जियो में, या तो आप दूसरा काम कर सकते हो कि आप नया जियो नंबर भी ले सकते हो, बट जो सिम जियो फोन के साथ में आएगा उसी सिम को आपको एक्टिवेट करवाना होगा। और अगर आपका आईडी से 5 से ज्यादा जियो का सिम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो आप दोबारा जियो सिम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास ऑलरेडी 5 जियो सिम है, ऐसे में अगर आप कोई नंबर यूज नहीं करते हो तो उस नंबर को पहले जियो कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, ब्लॉक करवाइए, उसके बाद लेके जाइए अपना फीचर फोन जियो स्टोर पे एंड चेंज कर लीजिए अपना पुराना फीचर फोन को न्यू जियो फोन के साथ में। और ऐसे में दोस्तों जियो फोन में 15 अगस्त से नया फीचर्स आने वाला है, यानी 15 अगस्त से आप फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशंस को भी यूज कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी देना चाहूंगा, अब आप मेरा वीडियोस देख के पेटीएम कैश भी कमा सकते हो 2000 रुपए तक का। इसके लिए आप आई का बटन पे क्लिक कीजिए और ये वाला वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो में बेसिक कुछ अपडेट्स था जो मैंने आप लोगों को बताया। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव लिखिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वायरल टेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है दोस्तों इसको जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।